अभी हम बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखंड में हैं, और जैसे कि आप सभी को पता है हमारे साथ जिला परिषद सदस्य बेगूसराय क्षेत्र संख्या 9 चेरिया बरियारपुर से संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा घटना पहली बार घटा है, और ऐसे में हम बातचीत करेंगे कि बेगूसराय में जो कल लगातार फायरिंग हुआ और ऐसे में 11 लोग घायल हुए, हम इस चीज़ पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका BBL न्यूज में स्वागत है, और आपसे पहला मेरा सवाल रहा कि बेगूसराय में यह पहली बार घटना घटा है, तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है या फिर सिस्टम की लापरवाही है? देखिए, आपने सही कहा, जे भारत में ये इस तरह का घटना पहली बार घटा है, सच में पहली बार घटा है। 12-15 किलोमीटर की दूरी तक अपराधी गोली चला रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। तो कल जिस तरह से घटना घटा, इस तरह की घटना को मैं विरोध करता हूं, और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस तरह का घटना पर अंकुश लगाया जाए और इस तरह के घटना करने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। कहीं ना कहीं जो है BJP कार्यकर्ता है, विपक्ष है, उनका बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो जंगल राज है पुनः लौट कर आ गया। आपका क्या मानना है कि जंगल राज जो है पहले था या फिर अभी फिर लौट कर आ रहा है? देखिए, जंगल राज ना पहले था और ना ही अब है। जंगल राज अब विरोधी तो विरोध करेंगे, अब गोली चल गया इसका मतलब जंगल राज आ गया। किसी की भी सरकार में अपराधी क्या अपराध नहीं करते हैं? तो अपराधी का काम है अपराध करना, प्रशासन का काम है उसको उसके जगह तक पहुंचाना, जो उसका जगह है, जेल भेजने का जगह है, जेल का जगह है, वहाँ जगह भेजने का करते हैं। तो इसमें जंगल राज 2 और 1 का कहां से सवाल आ रही है? कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है उनसे बातचीत करने के दौरान और उनका बयान आ रहा है कि अगर प्रशासन कल एक्टिव हो जाते तुरंत ही समय पर, तो शायद इतना दर्दनाक खौफ जो अभी मुझे लगता है कि पूरे बेगूसराय में फैला है ग्रामीण पे काफ़ी असर हो रहा है। तो अगर वह एक्टिव समय पर हो जाते तो वो जो अपराधी हैं वो पकड़े जाते। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि थाने के सामने से फायरिंग हो गया और वह अपराधी निकल गए। हाँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही है, जो सही समय पर अगर प्रशासनिक लोग एक्टिव होकर के और चारों तरफ से घेराबंदी अगर होता तो कुछ घटना नहीं घटता। जो 11 लोगों को गोली लगा उसमें से 2-4 लोग बच सकते थे, क्योंकि 15 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होता है। 15 किलोमीटर का मतलब हुआ 20 मिनट, और 20 मिनट तक इस तरह का हरकत किया और निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया, तो कहीं कहीं सवाल उठता है। लेकिन प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है बेगूसराय के, वो भी समय रहते ही अपना अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी किए और जिले में हर जगह घेराबंदी करके और वो दिखा दिए कि तुम कानून से बढ़ के नहीं हो। कहीं ना कहीं अब जाके घेराबंदी किए, तो आपको क्या लगता है क्या कभी पकड़ा पाएंगे वो अपराधी? देखिए, कहने में भी कहावत है, कानून का हाथ बहुत लंबा है। कानून जब पीछे पड़ जाएगा ना, तो अच्छे अच्छे तो पतलून को ढीला कर देता है। तो ये 2-4 अपराधी क्या है? ये तो एक खिलौना है जो हाथ में ले करके और निर्दोष लोगों के ऊपर चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपना काम कर रही है, समय आ रहा है उसके तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है जेल जाएंगे। एक युवक की मौत हो गई तो उन्हें कुछ मुआवजा सरकार से मिल पाएगा? देखिए, अभी सरकार का विषय है, मुआवजा मिलेगा इसके बारे में जानकारी अभी मुझे नहीं है,
अगर मुआवजा मिलना होगा तो निश्चित रूप से सरकार देगी। तो देखिए, अभी हम जिला परिषद संजीव शर्मा से बातचीत किए कि बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।